यूपी बोर्ड की जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो लगभग सभी छात्रों को राहत देने वाली खबर है। आपको ये भी बता दें कि यूपी सरकार ने जो फैसला लिया है वो किसके हित में होने वाला है। जी हां, आज योगी सरकार ने बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला का ऐलान कर दिया है। यहां पे आप देख सकते हो कि यूपी में भी रद्द हुई 12वीं की परीक्षा। कोरोना संकट के बीच 26 लाख स्टूडेंट को राहत। गाइस, इसके बारे में जान लेते हैं कि यूपी एमएसपी यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 कैंसल्ड। कोरोना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के लिए 26,09,501 स्टूडेंट पंजीकृत है। इससे पहले हाई स्कूल की परीक्षा रद्द की जा चुकी है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहां पे देखिए निकल कर आ रहा है कि यूपी एमएसपी यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 कैंसल्ड। कोरोना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी बोर्ड की परीक्षा रद्द की कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। इससे पहले सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी। केंद्र के इस फैसले के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई बोर्ड ने अपनी परीक्षाएं रद्द कर दी थी और अब यूपी बोर्ड ने भी परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया। जी हां, हालांकि यूपी बोर्ड को सबसे बड़ा परीक्षा माना जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट सम्मिलित होते। इसके बाद यहां पे दे रखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में गुरुवार को कोरोना की पर बनी टीम 9 की एक बैठक डिप्टी सीएम और माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा टीम 9 के सदस्य नहीं है, फिर भी वो बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के लिए 26,09,501 स्टूडेंट का पंजीकृत है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई है। सीबीएसई व आईसीएसई ने भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की, जिसके बाद अन्य राज्यों में भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द होने लगी है। इस कड़ी में यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द करने का ऐलान किया गया। अब रिजल्ट कैसे जारी किया जाए इस पर फैसला होना है। बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं स्थगित किए जाने के बाद से कई स्टेट बोर्ड ने भी अपने 12वीं के एग्जाम रद्द कर चुके। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा बोर्ड ने अपने 12वीं के एग्जाम रद्द किए हैं। बोर्ड की तरफ से अभी छात्रों के लिए मार्किंग स्कीम जारी नहीं की गई है। 12वीं के छात्रों को मार्कशीट कैसे तैयार होगी इस पर अभी फैसला होना बाकी है। बोर्ड की तरफ से इसकी जानकारी जल्द आधिकारिक वेबसाइट upmsp.up.nic.in पर जारी की जाएगी। हालांकि कोई भी सूचना आती है जैसे कि किस तरह से मार्कशीट तैयार की जाए तो इसकी जो सूचना है वो सबसे पहले आपकी आधिकारिक वेबसाइट जो है upmsp.in पर पहले ही चढ़ा दी जाएगा, ठीक है, उस पे आपको दे दिया जाएगा। तो यही रहा आज का न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आए और लगता हो कि आपके हित में है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के आल पे प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले आपको मिले। मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।